ये देखिए, ये है मंदिर जाने का रास्ता, जो आपको यहाँ पर रास्ता इंडिकेट कर रहा है कि इधर से जाना है। और ये देखिए, मंदिर का एक बोर्ड लगाया हुआ है, जो बंगला हिंदी जानते हैं, देखिए पढ़ के। और ये है रास्ता इधर जाने का, जहाँ मंदिर जाने का। आज के ब्लॉग में आपको एक नया जगह का विजिट कराऊंगा, आप देखिएगा कैसा जगह है। अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग भी घूमने आइए, आप लोग दोस्तों के साथ, परिवार के साथ। चलिए मैं अभी आप उस जगह को रिवील कराता हूँ। ये देखिए, अभी इस जगह का हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इस जगह का नाम है श्री कालेश्वर धाम, जहाँ घुसते ही आपको पहले हरि मंदिर मिलेगा। उसके आगे थोड़े चलते हैं तो एक चबूतरा बनाया हुआ है, यहाँ पर जो घूमने आते हैं वहाँ बैठने के लिए बहुत ही बढ़िया शानदार जगह है। गर्मी के दिन में भी आपको यहाँ बहुत अच्छी धूप के बचने के लिए छांव मिलेगी, और यहाँ बहुत सारे फलों के वृक्ष है। ये देखिए दोस्तों, ये एक पेड़ है, आम का पेड़, लेकिन इसमें प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा कि पेड़ में ही एक हाथी का चेहरा उभरा हुआ है, जिसको आप लोग देखिए कितना सुंदर इसको कलाकृति करके सजाया गया है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर एक बैठने के लिए, यहाँ पर जो सैलानी आते हैं, घूमने आते हैं, पूजा कराने आते हैं, उन लोगों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था है। इसके अंदर चलते हैं तो यहाँ पर कुछ भी जब प्रोग्राम होता है तो खाना वाना, खिचड़ी बनाने के लिए चूल्हा बनाया गया है। आप अगर अपने परिवार के साथ आते हैं इस जगह में पूजा कराने, तो आगे आपको दिख रहा होगा शौचालय का भी व्यवस्था है। और इधर एक मैदान है, देखिए कुछ बड़े बड़े पेड़ को काट के लगाया गया है, गाड़ा गया है, जो बैसाख महीना में यहाँ को पर्व होता है, जिसको चड़क पूजा या भोक्ता बोलते हैं। ये देखिए, उसी के लिए ये बड़ी बड़ी लकड़ियों को गाड़ा गया है। ये देखिए, एक समाधि स्थल है, जो श्री श्री राम लक्ष्मण दास बाबा जी के नाम से एक समाधि है, आप देख सकते हैं। और इधर देखिए, यहाँ पर एक वो तालाब है, जो तालाब का जीर्णोद्धार का काम चालू है, बहुत ही बढ़िया है, जो हमारे क्षेत्र के विधायक के द्वारा ये काम किया जा रहा है। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे का नज़ारा क्या है। अभी तो धूप का सीज़न है, इसीलिए अभी यहाँ पर उतना पेड़ पौधे या फूल बगीचा भी यहाँ का बहुत अच्छा है, लेकिन उतना अभी फूल हुआ नहीं है, नहीं तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर फूल का पौधा लगाया गया है। चलिए आगे दिखाते हैं। अभी देखिए, यहाँ का जो मुख्य जगह है, जिसके दिखाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लाया हूँ आज, मंदिर है, जो शिव मंदिर है, बहुत ही प्रचलित शिव मंदिर है। चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यही वो शिव मंदिर है, श्री श्री कालेश्वर मंदिर साधुडेरा, इस जगह को इसी नाम से जाना जाता है। आप भी कभी आइए अपने परिवार के साथ यहाँ पर पूजा करने, घूमने, बहुत ही बढ़िया जगह है।
खास करके अभी गर्मी के सीज़न में, जो आपको यहाँ पर थोड़ा ठंडा महसूस होगा, क्योंकि यहाँ पर इतना पेड़ पौधे हैं, इतने फल का पेड़ पौधे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा घूमने में यहाँ पर। यहाँ पर पानी की अभी अच्छी व्यवस्था की गई है, जो मटका रखा गया ठंडा पानी पीने के लिए जो यहाँ पर आते हैं। ले चलता हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये है श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर साधु डेरा, ये देख सकते हैं, ये राधा कृष्ण मंदिर है, यहाँ पर भी पूजा होती है, कीर्तन होती है। और ये वो एक तरह का ऑफिस कहा जा सकता है यहाँ मंदिर कमेटी के लिए, जहाँ यहाँ पर कुछ लोग व्यवस्था में रहते हैं, उन लोगों के रहने के लिए घर है, और एक शेड बनाया गया है यहाँ पर बैठने के लिए। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा वृक्ष है, आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी इस जगह को मैंने आपको दिखाया एक एक करके, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आप ही का परिवार है, मेरा परिवार है, हम सबका परिवार है, इस परिवार को आगे बढ़ाइए। ये देखिए कुछ व्यू।